जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। मेरे को इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सब काम करूं इलीगल एक्टिविटीज में, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। उसकी गिरफ्तारी एकदम होनी चाहिए। रेव पार्टी और रेव पार्टियों में सांपों के जहर की सप्लाई करने के मामले में बिग बॉस विजेता एल्विश यादव का अब बच पाना मुश्किल सा दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ एल्विश यादव सोशल मीडिया पर अपने वीडियो जारी कर अपने आप को बेकसूर बता रहा था, आरोपों को गलत बता रहा था, कुछ लोगों पर फंसाने तक का आरोप लगा रहा था, उसी एल्विश यादव पर नोएडा पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दरअसल नोएडा पुलिस की तरफ से एल्विश यादव को पहले एक नोटिस भेजा गया था। इस नोटिस के जरिए नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद सवाल ये उठ रहा था कि क्या एल्विश यादव पुलिस के सामने पेश होंगे या फिर नहीं। तो इसी बीच मंगलवार की रात एल्विश यादव अचानक पुलिस के सामने पेश हो गए। हालांकि एल्विश यादव नोएडा के सेक्टर 20 थाना पुलिस के सामने पेश हुए हैं और करीब 3 घंटे तक एल्विश यादव से पूछताछ की गई है। सूत्रों की माने तो एल्विश रात में पुलिस के पास पहुंचा था। खास बात तो यह है कि मंगलवार को ही एल्विश यादव को नोटिस भेजा गया था और मंगलवार की रात में ही एल्विश पुलिस के सामने पेश हो गया। जानकारी के मुताबिक आधी रात करीब 2 बजे एल्विश यादव कोतवाली सेक्टर 20 पहुंचा था और वहां पर उससे पुलिस ने पूछताछ की। इस दौरान सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में कई सवाल दागे गए। अब दोबारा एल्विश यादव से पूछताछ की जाएगी और फिर पुलिस उसे एक बार फिर से अपने पास बुलाएगी। गिरफ्तार आरोपी राहुल के रिमांड मिलने के बाद पुलिस एल्विश को उसके सामने बिठाकर पूछताछ भी कर सकती है। रेव पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में घिरे एल्विश यादव को नोएडा पुलिस, आपको बता दें, मंगलवार को ही नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। आपको ये भी बता दें कि नोएडा पुलिस ने जिन 5 सपेरों को 9 सांपों के साथ गिरफ्तार किया था, इनके पास सांप दिखाने का कोई लाइसेंस भी नहीं मिला है। वन विभाग की तरफ से दरअसल कुछ सांपों के लिए लाइसेंस भी दिया जाता है। पुलिस अब इस मामले में विधिक राय लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है और इसके बाद फिर से अलग धाराएं जोड़ी भी जा सकती हैं। इसके साथ साथ एल्विश के गले में सांप वाली वीडियो की जांच भी वन विभाग जांच कर रहा है। इस मामले में जिला वन अधिकारी पीके श्रीवास्तव ने बताया है कि जांच पूरी होने के बाद एल्विश के खिलाफ विभाग में भी H2 केस दर्ज किया जाएगा। दोषी पाए जाने के बाद इसमें 3 साल की सजा हो सकती है। लेकिन जिस तरह से अचानक एल्विश यादव रात में पुलिस के सामने पेश हुआ और पुलिस ने उसे सवाल भी पूछे, इससे माना जा रहा है कि एल्विश का बच पाना मुश्किल से दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।